वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बड़ा अपडेट, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच कांटे की टक्कर। वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच जो है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। टॉस जो है 1:30 बजे होगा। टीम इंडिया के रेगुलर ओपनर शुभमन गिल डेंगू की वजह से इस मैच में भी नहीं खेलेंगे, तो इनकी जगह रोहित शर्मा के साथ जो है ईशान किशन ही आज ओपन करने की संभावना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बिना खाता खोले ही पहले लौट गए थे। वे आज के इस वीडियो में दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड, टॉप परफॉर्मेंस और दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग टीमों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेड टू हेड की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक सिर्फ 3 वनडे मैच खेले गए, इनमें 2 में भारत जीता है और 1 मैच जो है टाई रहा है। वही टॉप परफॉर्मर की बात करें तो टीम इंडिया की ओर से टॉप परफॉर्मर शुभमन गिल है, लेकिन वो आज इस मैच में नहीं खेलेंगे। लिहाजा सेकेंड बेस्ट स्कोरर विराट कोहली है, जो इस साल उनकी जो परफॉर्मेंस जो है उस पर नजर डाले तो उन्होंने 17 मैचों में 797 रन बनाए हैं। वही बॉलिंग की बात करें तो गेंदबाजी में भारत में टॉप परफॉर्मर रहे हैं कुलदीप यादव, जिन्होंने 18 मैचों में 35 विकेट लिए हैं। वही अफगानिस्तान की ओर से जो है इब्राहिम जादरान जो है टॉप स्कोरर रहे, 12 मैचों में 500 रन उन्होंने बनाए हैं। वहीं विकेट टेकर की बात करें तो फारूकी रहे हैं टॉप, उन्होंने 12 मैचों में 16 विकेट लिए हैं। वहीं पिच की बात करें तो इस मैदान पर अब तक जो है 27 वनडे खेले गए हैं, इन्हें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 13 और टारगेट चेज करने वाली टीम ने भी इतने मैच जीते हैं, 1 मैच टाई रहा है। वहीं आखिरी छः मैचों की अगर बात करें तो 5 में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 7 मैच जीते हैं। वहीं अब बात करते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की, तो टीम इंडिया की ओर से कप्तान आज रहेंगे रोहित शर्मा, ईशान किशन और सूर्य कुमार, दोनों में से एक को मौका मिल सकता है। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या वो कप्तान रहेंगे। रविंद्र जडेजा, ठाकुर और समीर, दोनों में से एक को मौका मिल सकता है। कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज रहेंगे। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो गुरबाज विकेट कीपिंग करेंगे, जादरान, रहमत शाह और सईदी ये कप्तान रहेंगे। इसके अलावा नबी और इसके अलावा जादरान और अमरजोई, राशिद खान, मुशफिकुर्रहमान और नीमुल्लाह कौर फारूकी रहेंगे इस टीम के अंदर। तो मुकाबला जो है दोनों टीमों के बीच आज कांटे का होने वाला है।